नमस्कार, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं बुलंदशहर के अंदर और बुलंदशहर में हमारी मुलाकात हो रही है देश ही नहीं देश विदेश में जिन्होंने अपना परचम बहुत अच्छे से लहरा रखा है, शशि भूषण जो बाबा साहब तथागत के गाने गाते हैं। शशि जी, आपका ऐसे न्यूज में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ जी, शुक्रिया। शशि जी, सबसे पहले तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बोला है कि जब भी आपसे मुलाकात हो या आप मुलाकात करें तो उनकी जानकारी पूरी लें, तो मैं आज पूरी जानकारी लेने के लिए आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। जी जी जी। शशि जी, आपका जन्म कब और कहाँ हुआ उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, जहाँ आप खड़े हैं अच्छा, और मैं खड़ा हूँ, आप मेरी जन्मस्थली पर खड़े हैं। बहुत बढ़िया। बुलंदशहर की एक ये कहते हैं ना हार्ट, जैसे दिल्ली का हार्ट सिटी हम बोलते हैं, तो ऐसी बुलंदशहर का ये हार्ट है। और हार्ट के साथ साथ यहाँ हॉट भी है। हॉट यानी कि यहाँ एक मेला ग्राउंड है, ये नुमाइश लगती है मैदान है। यहीं से 14 किलोमीटर आप जब हम जाते हैं अनूप शहर रोड पे, शिवालिक गांव पड़ता है कछुआ, वहाँ मेरी जन्म स्थान है। और मैं यहाँ, आप इधर सामने देखेंगे तो हॉस्टल है डॉक्टर अम्बेडकर छात्रावास, यहाँ भी मैं 2 साल रहा हूँ। इधर 1 किलोमीटर चलेंगे तो इंटर कॉलेज है, वहाँ से मैंने 12वीं पास किया वहाँ से। तो आप मेरी जन्मभूमि खड़े हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं इस जमीन पर। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हमने स्वागत कर लिया, अब आपने कर लिया जी। और अपनी मातृभूमि पे तो वाकई में सबको बहुत खुशी होती है जब खड़े होते हैं। शशि जी, आपको बाबा साहब के गाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, अगर प्रेरणा की बात करें तो हमारे दादा परदादा जो थे वो लोग कबीरपंथी लोग थे जी। और कबीरपंथी लोग जब अपने कबीरपंथ का, इस पाखंडवाद का विरोध करते थे तो वो गा के बजा के कबीर साहब के भजनों से करते थे, क्योंकि कबीर साहब पाखंडवाद के प्रखर उन्होंने चोट दी है, तो उन्हीं के भजनों से हमारे जो घर के लोग थे वो लोगों को जागरूक करते थे। धीरे धीरे बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि बाबा साहब भी कबीरपंथी थे, और हमारे दादाजी ने, जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया तो हम लोग भी बुद्धिस्ट हो गए। और आज फिर हमने सोचा कि कबीर साहब के साथ साथ बाबा साहब और बुद्ध की चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, तो वही करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो एक छोटा सा सिपाही उनके, कोशिश कर रहा हूँ, हो जाएगा तो। शशि जी, आपका सबसे पहला एल्बम कब और कौन सा आया था? मेरा जब मैं थोड़ा सा अपनी जो मेरी माली हालत थी वो भी बहुत, खैर आज भी इतनी बड़ी नहीं है वो भी, मैं अब ये है कि हाँ ठीक है, लेकिन बहुत ऐसे दौर से मैं गुजर रहा था, तो मैंने बड़ी हिम्मत करके एक एल्बम निकाला था धरती बुद्धा की, लेकिन तथागत की अनुकंपा और बाबा साहब के इस सभी जो आशीर्वाद है उससे, वो मैंने पार्लियामेंट में लॉन्च किया। धरती बुद्धा की पार्लियामेंट में मैंने लॉन्च किया, जहाँ बाबा साहब का इशारा करते हुए फोटो रहता है वहीं पे आपने पार्लियामेंट में पहला एल्बम, हाँ, ये धरती बुद्धा की, उसमें 8 सॉन्ग्स थे, अच्छे सॉन्ग थे, उनको सराहाया गया और बड़ी मुश्किल से और बड़ी अपना ऐसे ही मजबूरियों से जूझ कर हमने उसको दीक्षा भूमि पे शूट किया था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मोबाइल से हम लोग शूट करते थे, लेकिन बहुत अच्छा उसका रेस्पॉन्स मिला, लोगों ने बहुत प्यार दिया। मैं उनका हमेशा आखिरी दम तक, मरते दम तक और मरने के बाद भी मेरी जो अश्क हैं, जो जब मैं खाक हो जाऊँगा तो तब भी शुक्रगुजार रहेंगे हम अपने समाज के। शशि जी, आपके तो बहुत सारे हजारों की तादाद में भजन हैं और बाबा साहब तथागत के लिए आप गाते हैं, तो उसमें सबसे एक खूबसूरत गीत का बताएं जो आपको हमेशा याद दिलाते रहते हैं। देखिए, अगर मेरा पसंदीदा गीत है तो मेरा पसंदीदा गीत है बुद्ध संघ प्रेमी जी का लिखा हुआ, बाबा से पहले शोषित थे क्या थी जिंदगानी। और लोग, जब मैं स्टेज पे होता हूँ तो एक गीत है कि, बड़ा अच्छा गीत है, मुझे भी पसंद है वो, लेकिन मैंने पसंद आपको बता दी, लेकिन लोग मुझे इसकी फरमाइश करते हैं कि 4 बच्चों की दी है पर आपने कुर्बानी। दो लाइन जरूर सुनाएं उनकी, क्योंकि सभी श्रोता सुनना चाहेंगे वो। बड़ा अच्छा गीत है, जब भी मैं अक्सर स्टेज पे चढ़ता हूँ तो उस गीत की लोग फरमाइश करते हैं, क्योंकि वो लोग लोगों को बताता है कि भाई हमने क्या किया और बाबा साहब हमसे क्या चाहते हैं, उन्होंने क्या किया। तो गीत था, भीम जी के पथ पर अब चलते लोग थोड़े हैं, भीम जी के पथ पर अब चलते लोग थोड़े हैं, पाया जिसने आरक्षण और मंदिरों के डेरे हैं, भीम जी के पथ पर अब चलते लोग थोड़े हैं, 4 बच्चों की दी है तुमने कुर्बानी
दी है तुमने कुर्बानी, चार चार बच्चों की दी है तुमने कुर्बानी, तब कहीं ये जा कर के, तब कहीं ये जा कर के कोट पैंट पहने हैं, तब कहीं ये जा कर के कोट पैंट पहने हैं। पाया जिसने आरक्षण, पाया जिसने आरक्षण, पाया जिसने आरक्षण, और मंदिरों के डेरे हैं, मंदिरों के डेरे हैं, मंदिरों के डेरे हैं। तो मैंने आपको उस गीत की कुछ चुनिंदा लाइन आपको सुनाई। शशि जी, आपके सभी एल्बम्स इतने अच्छे होते हैं जो दिल को छू जाते हैं। कहते हैं ना कि वो जितना अच्छे से रस आता है वो रस कॉमर्शलाइज लोग लिखते हैं, लेकिन आप जो लिखते हैं वो भावार्थ लिखते हैं, भाव होते हैं उसमें, शब्द बहुत अच्छे होते हैं, तो ये प्रेरणा वगैरह कहाँ से मिलती है आपको? देखिए, वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि हमारा जो काम है वो गाने के साथ साथ में लोगों को जागरूक करने का है, और जब हम लोगों को जागरूक करेंगे तो वहाँ पर शब्दों का ही खेल है। और अगर मैं इसे प्रोफेशनल में ले जाऊँ, गीतों में ले जाऊँ, तो कहीं गीत में कुछ ऐसे शब्द भी जुड़ जाते हैं जो हमें पाखंड की ओर ले जाते हैं। जैसे बहुत से लोग गीत गाते हैं कि बाबा साहब ने हमारी किस्मत खोल दी, अब ये होगा वो होगा, तो किस्मत जैसे शब्द हम कैसे कह दें। तो पहली प्राथमिकता मेरी शब्दों को होती है, क्योंकि हम लोग गायकी के साथ साथ जगाने वाले हैं, बाबा साहब के सिपाही हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। तो हम शब्दों का चयन, ऐसा शब्द कोई हम नहीं डालते जो हमारी शब्दावली, जो बुद्ध के शब्द हैं, यानी बुद्धावली में जो शब्द हैं हम उनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, और जो हिंदुओं की शब्दावली है उसके हम शब्द नहीं लेते। ये खास करके तो बहुत महत्वता रखती है एक गीत में शब्दों की, इसलिए हम शब्दों का बहुत अच्छी तरीके से चयन करते हैं। और ख़ास करके वैसे मैं बुद्ध संत प्रेमी जी के गीतों को बहुत पसंद, मुझे बहुत पसंद है, पूरे देश में सराहे जाते हैं सारे सारे। शशि जी, ये तो रहा आपका जो सबसे अच्छा लगता था, लेकिन मैं एक अभी आपके बहुत सारे भजन ऑन टेबल होंगे, ऑन राइटिंग होंगे, जो आपके एडिटिंग भी चल रही है, सब काम चल रहे हैं, आपने बताया था जैसा, तो अभी कोई रिसेंटली भजन जिसको गाना जो आप गाना चाहते हैं या जो आप चाहते हैं कि आपके आगामी आने वाला ये वाला है सॉन्ग, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। एक मेरा आने वाला गीत है और मैंने उसको कव्वाली ने गाया है, कव्वाली उसको बनाया है, और वो कव्वाली है, पहले उसमें शेर है। ईश्वर से न्याय मिलता तो न्यायालय नहीं होते, सरस्वती से ज्ञान मिलता तो विद्यालय नहीं होते, दुआओं से काम चलता तो औषधालय नहीं होते, बिना कर्म के भाग्य चमकता तो कार्यालय नहीं होते। ओ बाबा साहब की कोशिशों से यारो, ओ बाबा साहब की कोशिशों से यारो, भारत में चमका है अपना सितारा, बाबा साहब की कोशिशों से यारो, भारत में चमका है अपना सितारा, हो इंसानों की, हो इंसानों की, हो इंसानों की बातें तो छोड़ो, था पशुओं से बदतर जीवन हमारा, बाबा साहब की कोशिशों से यारो। ये मेरा आगामी गीत है और कव्वाली है, बहुत अच्छी कव्वाली है, और मुझे उम्मीद है कि मेरे जो सुनने वाले साथी हैं जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो इस कव्वाली को भी उतना ही प्रेम देंगे जितना उन्होंने मेरे पिछले गीतों में दिया है। और मैं बहुत उम्मीद आशा रखता हूँ अपने सभी दर्शकों से, वही मेरे दिल की धड़कन है। जिस दिन मेरे दर्शक या मेरे चाहने वाले नहीं रहेंगे या मुझे भूल जाएंगे, उस दिन मैं मर जाऊँ, मुझे ऐसा लगता। आपके शशि भूषण जी जो गीत के साथ साथ इतने सरल व्यक्ति भी हैं, किसी भी मंच पे जाते हैं तो भावनात्मक जाते हैं बिल्कुल, और इन्होंने एक दो नहीं हज़ारों की तादाद में कार्यक्रम करे हैं जो जिसमें एक रुपया भी नहीं लिया है, लेकिन अगर एक रुपया भी नहीं लेंगे तो वो आगे जन प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि शशि भूषण जी को आप अपने प्रोग्राम्स में इन्वाइट करें, उनको बुलाएँ, उनको पूरा गाने का मौका दें और अच्छे से सारी चीज़ों को, क्योंकि ये एक व्यक्ति जो बिल्कुल मिशनरी व्यक्ति हैं, ये कोई गायक उस तरीके के नहीं हैं जो लोग आते हैं अपना बजाते हैं और चले जाते हैं।
अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप शशि भूषण जी से मिलना चाहते हैं तो ये फेसबुक पे भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं। अगर आपको इनके नंबर चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं, या फिर आप हमारे मोबाइल नंबर जो आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड पे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से भी ले सकते हैं, आप हमारे से भी ले सकते हैं। शशि भूषण जी का बुलंदशहर से कैमरामैन मनोज के साथ सुरेंद्र सिंह गौतम।